राधे 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 सुविक ने निवी से क्या पूछा मॉर्निंग में भाई? और आपने गुड स्लीपी की? और आज सोविक ने नैपी में शुशु किया? नो नहीं किया। पक्का चेक करना पड़ेगा। हगी दे दो मामा को। हगी मामा को हगी कौन देगा? निवु नहीं देगा हगी। आजा 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 जल्दी 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 जल्दी। अरे भाई आजा आजा हगी मामा। हगी मामा आजा 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 आगे 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 हगी मामा। निवी हाउ डॉगी डू? आज होने वाली है हमारी किचन की सीलिंग रिपेयर, जो पिछले 2 महीने से ना खराब हो रही है। उसकी सारी पपड़ी उतरी हुई है और हम 2 महीने से बोल रहे हैं कि भाई आके देख लो। हमने एजेंट को बोला पर यहाँ पे ना वो प्रोसीजर के चक्कर में ना चीज़ें बड़ी डिले हो जाती हैं। ये देखो क्या हालत हो रही है इसकी। तो फाइनली आज 10 बजे कोई आने वाला है उसको रिपेयर करने के लिए। तो ना ये लोग आने वाले थे 10 बजे पर आए 12 बजे। शायद एक लेयर लगाई है और वो उसे सुखाने के लिए ना अपने दूसरा छोटा पंखा लेने गए हैं, क्योंकि जिससे वो अभी इतनी देर से सुखा रहे थे ना उसे अच्छे से सूखा नहीं है। तो ये बढ़िया लगा दी उन्होंने चद्दर ना, सारा ढक दिया हमारा, बढ़िया गंदा नहीं करेंगे, साफ साफ ही है। हाँ सब हो रही है इनकी आपकी कुटाई, बड़ा टाइम लगा। तो फाइनली हमारी सीलिंग ठीक हो गई है पर बच गया है 1.5। ये देखो अभी ये सूख जाएगी 2-3 घंटे में, इन्होंने बोला है 2-3 घंटे में सूख जाएगी। तो लंच टाइम हो गया, वैसे तो लेट ही हो गए हैं क्योंकि नॉर्मली तो मैं जल्दी कर लेती हूँ, बच्चे भी भूखे हो रहे हैं तो मैं फटाफट से पहले खाना बना लूँ। थोड़ा सा सामान अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि इधर उधर कर दिया था। आज ना अंदर मौसम बड़ा ही, मतलब बाहर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, लेकिन अंदर ना वो जैसे था ना चिपचिप सा घुटन जैसी ऐसा हो रहा था। हल्की हल्की बारिश बाहर है पर फिर भी इसीलिए ना हम लोग बाहर निकल आए कि अंदर ऐसा सफोकेटिंग सा आँखों में जलन पता नहीं क्या ही लग रहा था। तो सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा बाहर ठंडा है, अच्छा लग रहा है, घूम कर आते हैं। बाहर आते ही ना इतना रिलैक्सिंग लगा है ना। सोविक कैसा लग रहा है बेटा बाहर? तो सोविक मेरे साथ इस तरफ है, विक्रांत निवी को उधर से ले जा रहे हैं। जल्दी से आ जाओ, चलो 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 जल्दी जल्दी जंप 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 गुड। चलो चलो पापा को पकड़ेंगे, पापा कितना आगे चले गए। चलो चलो जल्दी चलो निवी। हाय हाय मेरा बेबी। तो विक ज़्यादा आगे नहीं जाना, डॉगी आ जाएगा नहीं तो। ये है हमारे घर का नियरेस्ट पार्क और ये है हमारे आसपास की सबसे बेस्ट जगह। आराम से यहाँ आ जाओ, बस रोड क्रॉस करते ही है ये पार्क और अच्छे से घूमो। जब सन होता है ना तो बढ़िया है, यहाँ पे पिकनिक हो जाती है इसके भी करने भी के साथ में अच्छे से। नीबू नीवी पापा तो भी क्या कर रहा है? ओ तो भी क्या किया ये? डैंडेलाई नहीं है। Thank you.
देखिए तो 10 बजे के हालात हैं ये, तो समर में यहाँ पे 11 बजे तक ना, 11 बजे भी हल्की हल्की सी इनफेक्ट रोशनी रहती है। आजकल सनसेट का टाइम 10 o'clock ही है फ़िलहाल समर में, दिस इज़ समर टाइम, तो इसीलिए ब्लाइंड वगैरह लगा के सो जाते हैं। और अभी दोनों बच्चे सो चुके हैं और अब हम भी सोने वाले हैं थोड़ी देर में बस। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और लास्ट में बस ये कि चलो दोस्तों सो जाते हैं एक नई सुबह के लिए, क्योंकि बिना अंधेरों के रोशनी नहीं मिलती। तो बाय फॉर टुडे, बाय, टेक केयर।